हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको फोर्सेप्स के बारे में कि कौन कौन से फोर्सेप्स कौन कौन से दांत निकालने में काम आते हैं, उसके नाम क्या हैं, उसके यूजेस कैसे करते हैं उसको, वो मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको। तो जल्द से जल्द शुरू करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल इंसाइजर्स को निकालने के लिए कौन सा फोर्सेप्स यूज होता है। तो ये स्ट्रेट फोर्सेप्स है गाइस, जो कि सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर्स और कैनाइंस को निकालने के काम आता है ये। तो ये एकदम स्ट्रेट होगा, ओके, इसके बीक्स एकदम स्ट्रेट होंगे, ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये सेंट्रल इंसाइजर फोर्सेप्स है। और इसे निकालते कैसे हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको सेंट्रल इंसाइजर अगर निकालना है, तो सेंट्रल इंसाइजर्स के लिए आपको ग्रिप लेना है, सर्वाइकली ग्रिप पकड़ना है, ऐसे अच्छे से ग्रिप लेना है। और आपको टर्न, सबसे पहले आपको थोड़ा सा रोटेट करना है, बिकॉज इसके जो रूट्स होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं, तो हमें पहले रोटेट करना है, देन हमें बकल की तरफ जाना है, क्योंकि जो कॉर्टिकल प्लेट्स होते हैं, बकल कॉर्टिकल प्लेट्स, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू पैलेटली। तो पैलेट नीचे नहीं करना है आपको, पहले थोड़ा बकल ले जाना है, फिर थोड़ा रोटेट करना है, देन इसको निकालना है गाइज। तो ऐसे आप इस सेंट्रल इंसाइजर फोर्सेप्स को आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे पहचान सकते हो। इसमें कोई बेंड नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट है। तो अगर आपको वाइवा में पूछा जाए तो आप ऐसे बता सकते हो कि एकदम ये स्ट्रेट है, ओके। तो ये था आपका सेंट्रल इंसाइजर फोर्सेप, लेटरल इंसाइजर और कैनाइन फोर्सेप्स। अब बात करते हैं प्रीमोलर फोर्सेप्स की। तो प्रीमोलर फोर्सेप में आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कर्वेचर है, ये देख रहे हैं, तो कर्वेचर ध्यान रखना है आपको सबसे पहले। और ये अपर प्रीमोलर फोर्सेप है, तो कर्वेचर का सबसे पहले ध्यान रखना, ये कर्व्ड होगा। और जो इसके बीक्स होंगे, जो ये दोनों बीक्स है, ये आपस में जॉइंट नहीं होंगे, इसके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। आप ये देख सकते हैं, इसके इसमें गैप है, थोड़ा सा गैप रहेगा ये, ओके। और इसको पकड़ना है, जब हम पकड़ते हैं तो पाम रूल से पकड़ते हैं, तो इसको ऐसे पकड़ना होता है प्रीमोलर फोर्सेप्स। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको प्रीमोलर कैसे निकाला जाएगा। सपोज ये प्रीमोलर है, तो प्रीमोलर अपर प्रीमोलर आप निकाल रहे हैं, राइट साइड प्रीमोलर अगर आप निकाल रहे हैं, तो आपको प्रीमोलर में सबसे पहले कैसे रखना है ग्रिप, आपको ग्रिप ऐसे रखना है, सर्वाइकली अच्छे से बीक्स को ले जाना है। और गाइस इसको भी थोड़ा सा पहले रोटेट करना है, क्योंकि इसके रूट्स भी जो होते हैं, जो फर्स्ट प्रीमोलर होता है उसका दो रूट होता है, सेकंड प्रीमोलर का वन रूट होता है, तो जो दो रूट होते हैं हम इसको थोड़ा सा टिल रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद देन बकल फोर्स देंगे, फिर देन पैलेटली फोर्स देंगे, बकल फोर्स देंगे, पैलेटल फोर्स देंगे, देन रोटेट करके फिर इसको निकालेंगे। तो गाइस आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको, बस ध्यान ये रखना है कि इसको पहचानने का तरीका क्या है। जो इसका जो बीक्स होगा वो बेंड होगा, ओके, ये ऐसे इसमें बेंडिंग्स होगी, ये स्ट्रेट की तरह नहीं होगा, बिकॉज ये जो सेंट्रल इंसाइजर था ये पूरा स्ट्रेट था, और ये जो है इसमें बेंडिंग है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं हम मोलर्स की। मोलर फोर्सेप्स, जो इसके बीक्स होंगे थोड़े बड़े होंगे, अब ये भी कर्व्ड है, तो आप ये पूछेंगे कि ये प्रीमोलर का क्यों नहीं है, मोलर का क्यों नहीं है, तो ये इसलिए नहीं है बिकॉज जो इसके बीक्स हैं वो थोड़े ब्रॉड होंगे, क्योंकि मोलर्स जो होता है वो ब्रॉड होता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो इसी वजह से जो इसके बीक्स हैं वो बड़े होंगे, ओके, जो ब्रॉड होगा, आप ये देख सकते हैं ये बड़ा होंगे, ओके, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे मोलर्स को निकालेंगे, अपर मोलर्स को कैसे निकालेंगे। तो जो ये अपर मोलर्स है, सपोज दिस इज योर अपर मोलर्स, और आप अपर मोलर्स को निकाल रहे हैं, तो आपका जो ये ग्रिप रहेगा, अगेन सर्वाइकली आप डालेंगे, और जब आप पकड़ेंगे तो पाम रूल फॉलो करना है आपको, ओके, ऐसे पाम रूल फॉलो करना है, अच्छे से ग्रिप लेना है, देन जब ग्रिप आप ले रहे हैं तो आपको इसमें बकल साइड मूव करना है, देन आपको
पैलेटल साइड, पैलेटल साइड ज़्यादा मूव नहीं करना है, बिकॉज जो पैलेटल रूट्स होता है वो इसमें सिंगल पैलेटल, इसमें थ्री रूट्स होते हैं, जो पैलेटल जो रूट है सिंगल रहता है और मीजियो बक्कल और मीजियो डिस्टल रूट्स रहते हैं। तो आपको बक्कल साइड में टिल्ट करना है धीरे धीरे, आपको एकदम से झटका नहीं देना है, आपको धीरे धीरे मूव करना है। जब आप मूव करेंगे तो कॉर्टिकल प्लेट्स ब्रेक होना शुरू हो जाएगा हल्का हल्का, तो आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ अब दांत निकलने वाला है, फिर आप पैलेटली मूव करेंगे इसको। तो आप ऐसे करके आप मूव करके देन आप हल्का सा रोटेट करके देन आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये मोलर फोर्सेप्स है, आप पहचान गए होंगे इसे, ओके, दिस इज योर मोलर फोर्सेप, इसके बीक्स ऐसे होते हैं। नाउ अगेन एक दूसरा मोलर्स निकालने का भी फोर्सेप होता है, बट ये कहाँ यूज होता है, ये वहाँ यूज होता है जब ग्रॉसली डिकेड होता है। आप ये देख सकते हैं इसका शार्प बीक्स है, इसके जो बीक्स है एकदम शार्प है, और इसमें जो ये वाले जो बीक्स हैं ये, और ये जो हॉर्न्स है इसको हॉर्न्स बोलते हैं, दो हॉर्न्स होता है, ओके, ये उस दांत को निकालने के लिए यूज होता है जो ग्रॉसली डिकेड होता है। ग्रॉसली डिकेड वाले को निकालने के लिए यूज करते हैं। ये जो शार्प बीक्स है ये जाता है फर्केशन एरिया में, फर्केशन एरिया में जाके ये अच्छे से ग्रिप लेके फिर ये निकालता है उसको, तो आप वहाँ यूज कर सकते हैं। तो जिसका ग्रॉसली डिकेड होता है आप उसको वहाँ यूज करेंगे ये टूथ को, ओके। वैसे ही लेफ्ट साइड और राइट साइड का दोनों होता है, ये आपको मिल जाता है ये। उसके बाद अब थर्ड मोलर की बात करते हैं, आप थर्ड मोलर फोर्सेप भी होता है। थर्ड मोलर फोर्सेप का जो ये एरिया होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है और ये कर्वेचर होता है, आप ऐसे देख सकते हैं, ये नीचे को जाएगा फिर ऊपर को आएगा, तो ये कर्वेचर ताकि हमें एक्सेस मिल सके वहां तक। तो ये ऐसा दिखता है थर्ड मोलर फोर्सेप, तो एक्सेस दिख सकता है आपको यहां से, ये तो आप तुरंत पहचान सकते हैं वाइवा में, अगर पूछा जाए ये कौन सा फोर्सेप है तो आप सीधा बता सकते हैं ये थर्ड मोलर फोर्सेप है, ओके। अब इसको निकालना कैसे है मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए दिस इज थर्ड मोलर फोर्सेप और ये थर्ड मोलर आपका है यहाँ पे, तो थर्ड मोलर कैसे निकाला जाएगा, तो थर्ड मोलर निकालने के लिए आपको